क्या राजकोट में लहरेगा जीत का परचम? चौथे मुकाबले में भारतीय टीम दक्षिण अफ्रीका को हरा के 5 मैचों की श्रृंखला में 2-2 की बराबरी कर पाएगी। जी हाँ, इस वीडियो में आपको भारतीय टीम के बारे में बताएंगे कि चौथे मुकाबले से रिलेटेड क्या बड़ी अपडेट्स निकल कर आ रही है, मैच कहाँ पर खेला जाएगा, क्या है पिच रिपोर्ट, कौन सा स्टेडियम में, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि क्रिकेट जगत से जुड़ी हर अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जैसा कि 5 मैचों की श्रृंखला में भारतीय टीम को पहले दोनों मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा, दक्षिण अफ्रीका मेहमान टीम पहले दोनों मुकाबले को काफ़ी आसान तरीके से जीत ली। हालांकि भारतीय टीम अभी भी कमबैक कर सकती थी और तीसरे मुकाबले में भारतीय टीम ने किया भी, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका टीम को तीसरे मुकाबले में हराया और ये भारतीय टीम की बड़ी जीत थी। जी हाँ, यहाँ पर डू और डाई मुकाबला था भारतीय टीम के लिए। अगर इस मुकाबले को भारतीय टीम हारती तो 5 मैचों की श्रृंखला हार जाती पहले ही 3-0 से, पर भारतीय टीम ने यहाँ पर कमबैक किया, 2-1 तो कर लिए। अब भारतीय टीम को चौथा मुकाबला जीतकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-2 की बराबरी करनी है। जैसा कि भारतीय टीम अपने सरजमीं पर दक्षिण अफ्रीका टीम को कोई भी T20 श्रृंखला अभी तक नहीं हराई है, तो भारतीय टीम अगर ये श्रृंखला जीतती है वो भी ऋषभ पंत के कैप्टनसी में, तो भारतीय टीम का इतिहास यहाँ पर रचा जाएगा। दक्षिण अफ्रीका टीम को अपने सरजमीं पर यानी कि अपने घर पर कोई T20 श्रृंखला भारतीय टीम हराई है, पर यहाँ पर भारतीय टीम के लिए उससे इम्पोर्टेंट ये कि चौथा मुकाबला जीते। और चौथे मुकाबले की बात करें तो ये मुकाबला खेला जा रहा है राजकोट स्टेडियम पर। राजकोट स्टेडियम की बात करें तो यहाँ पर भी हमें बैटिंग फ्रेंडली विकेट देखने को मिलेगा। जी हाँ, चौथे मुकाबले में भी हमें बल्लेबाजों की तरफ से रन आते हुए दिखेंगे। यहाँ पर गेंदबाजों का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली विकेट है तो गेंदबाज किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और यहाँ पर अगर भारतीय टीम टॉस जीतती है या इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका टीम, दोनों में से कोई भी टीम अगर टॉस जीतती है तो पहले गेंदबाजी करने का फैसला करेगी क्योंकि चेस करना काफ़ी आसान माना जा रहा है। और इसके अलावा भारतीय टीम के कप्तान ऋषभ पंत पहले तीनों मुकाबले में टॉस भी हारे हैं, ऐसे में ये दिलचस्प लगा कि क्या यहाँ पर टॉस जीतते हैं। इसके अलावा आप लोग को बता दें भारतीय टीम की प्लेइंग 11 अनचेंज प्लेइंग 11 रहने वाली है। भारतीय टीम का टॉप ऑर्डर ऋतुराज गायकवाड़, ईशान किशन, और इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में हमें खेलते देखेंगे श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक, ऑलराउंडर सेक्शन में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, गेंदबाजी में देखें तो हर्षद पटेल, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, इसके अलावा हम देखें तो आवेश खान की जगह प्रयासदीप सिंह, इमरान मलिक आ सकते हैं, आवेश खान को फिर से बैक करे भारतीय टीम। दक्षिण अफ्रीका टीम की बात करें तो उनकी प्लेइंग 11 सेम रहेगी, ओपनिंग टेम्बा बाउमा रिजे हैंडिस करते हुए दिखेंगे, 3 नंबर पर हमें ज्वेन प्रिटोरिया, 4 पर रेसी वेंडेड हुसैन, 5 पर हमें डेविड मिलर। इसके अलावा गेंदबाजी में देखें तो हमें गेंदबाजी में एंड्रिस नॉर्जे, वैन पार्टनर एक बॉलिंग ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, इसके अलावा कगिसो रबाड़ा, तबरेज शमसी, केशव महाराज, ये दक्षिण अफ्रीका टीम की प्लेइंग 11 होगी। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्या भारतीय टीम चौथे मुकाबले को जीतकर सीरीज में 2-2 की बराबरी करेगी। बाकी आप लोगों का कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।